हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जिम गाइड वंस अगेन। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कास्को शिपिंग में ऑनलाइन एसआई किस प्रकार से सबमिट करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एसआई सबमिट करने में बीएलपी में हमें वेवर मिलता है। इसके अलावा अगर आप गलतियां करते हैं तो यहां पे बहुत सारी शिपिंग लाइन में आजकल अमेंड करने का ऑप्शन नहीं होता, वहां पे आपको पेनाल्टी लग जाती है। तो अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो हर चीज आपको समझ में आ जाएगी और बिना किसी मिस्टेक के आप एक बार में एसआई सबमिट कर पाएंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें एंड लेट्स स्टार्ट। कास्को शिपिंग में ऑनलाइन एसआई सबमिट करने के लिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट elines.costcoshipping.com में आ जाएंगे। यहाँ पे हमको लॉगिन करना होगा अपने कंपनी अकाउंट से। तो आप अपना लॉगिन आईडी या ईमेल आईडी डाल के नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद आप पासवर्ड डालेंगे और कैप्सा डाल के हम लॉगिन करेंगे। इस प्रकार से हम पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे हमें डैशबोर्ड दिखाई देगा कि हमारी कितनी बुकिंग है। अब इधर लेफ्ट साइड में हमारे सारे ऑप्शन होते हैं, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, या आप देखेंगे तो बुकिंग के नीचे यहाँ पे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे हमें शिपिंग इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है जिस पे हमको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है शिपिंग इंस्ट्रक्शन सबमिशन टेम्पलेट ड्राफ्ट मार्क नंबर एंड कार्गो डिस्क्रिप्शन एंड सर्च। सर्च में हम जो सबमिट कर चुके हैं उसको सर्च कर सकते हैं। अभी हम सबमिट करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो हमारा ये शिपिंग इंस्ट्रक्शन का फॉर्म ओपन हो चुका है। सबसे पहले हमको बुकिंग नंबर यहाँ पे फिल करना है। जैसे ही हम बुकिंग एड करेंगे तो हमारी सारी डिटेल जो बुकिंग में हमने दिया था वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे वेसल नंबर, कंटेनर की डिटेल, वायज नंबर, प्योल पीओडी, ये ऑटोमेटिक हमारे एसआई में आ जाएगा। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे शिपर की डिटेल फिल करनी है एज पर इंस्ट्रक्शन। हमें इंस्ट्रक्शन में प्रॉपर ये दिया होता है कि शिपर कौन है, कंसाइनी कौन है, नोटिफाई पार्टी कौन है। तो आपको जो भी इंस्ट्रक्शन मिला है उसके हिसाब से यहाँ पे आप शिपर फिल कर दीजिए। शिपर डालने के बाद हमारा सेकंड जो ऑप्शन होता है कंसाइनी का, तो कंसाइनी भी आप एसआई से देख के और यहाँ पे प्रॉपर फिल कर दीजिए। अब हमारा थर्ड ऑप्शन जो होता है नोटिफाई पार्टी का, ये तीनों हमारे शिपर, कंसाइनी एंड नोटिफाई मैंडेटरी होते हैं। कई बार हमारा जो नोटिफाई पार्टी है सेम एज कंसाइनी होता है, कई बार अदर देन कंसाइनी होता है। तो अभी हमारे केस में अदर देन कंसाइनी है तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे। उसके अलावा अगर आपके पास दो नोटिफाई पार्टी हैं तो आप उनकी भी डिटेल इधर राइट साइड में फिल कर सकते हैं। तो आफ्टर फिलिंग शिपर, कंसाइनी एंड नोटिफाई पार्टी हम नीचे आएंगे। नीचे आएंगे तो हमारा ये प्लेस ऑफ रिसिप्ट ऑटोमेटिक फिल रहेगा, वेसल की डिटेल फिल है, लोड पोर्ट, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, फाइनल डेस्टिनेशन, ये सारी डिटेल हमारी फिल है। अगर इस पे आपको चेंजेज करना है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं एज पर इंस्ट्रक्शन। अब उसके बाद हमारा जो ऑप्शन आता है कि ओशियन फ्रेट का पेमेंट कहाँ होगा, ये आपको केयरफुली फिल करना है। तो अगर फर्स्ट आपको सेलेक्ट करना है कि प्रीपेड रहेगा या कलेक्ट रहेगा, तो अगर प्रीपेड है तो आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करिए, अगर कलेक्ट है तो सेकंड ऑप्शन करिए। उसके बाद पेमेंट लोकेशन आप डालिए कि आपका पेमेंट का लोकेशन कहाँ है, या तो लोडिंग पोर्ट में है या अदर देन लोडिंग पोर्ट है, तो जो भी है आप यहाँ पे डाल दीजिए। अब उसके बाद इधर राइट साइड में यहाँ पे आपको रिसीविंग पार्टी डालना है कि बीएल किसको मिलेगी चेक करने के लिए। तो यहाँ पे हमने डाल दिया कि फॉरवर्डर को, यानी बुकिंग पार्टी को। तो यहाँ पे आपको पार्टी मिल जाएगी शिपर, कंसाइनी, फॉरवर्डर। उसके बाद यहाँ पे आप ईमेल उसका डाल देंगे। तो इधर आप वो मेल आईडी डाल देंगे जिस पे आप चाहते हैं कि आपको ड्राफ्ट बीएल चेक करने के लिए मिले। अब यहाँ पे हैंडलिंग ऑप्शन है, आप चाहते हैं कि जो डेस्टिनेशन का एजेंट है वो बीएल में शो हो तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। हम एड कर देंगे मल्टीपल ऑप्शन। उसके बाद इधर राइट साइड में बीएल टाइप है जो बहुत जरूरी है, ओरिजिनल आपको चाहिए या सीवे बिल चाहिए, दोनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अगर ओरिजिनल आप लेते हैं तो आपको हार्ड कॉपी यहाँ पे मिलेगी जिसको आपको पीओडी में भेजना पड़ेगा कार्गो रिलीज के लिए। अगर हम सीवे लेते हैं तो यहाँ पे आपका कार्गो डायरेक्टली रिलीज हो जाएगा विदाउट प्रेजेंटिंग ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग। तो यहाँ पे हम सीवे बिल हमको रिक्वायर्ड है। उसके बाद
आपको कैसे चाहिए सीवे बिल, तो हमें मेल में चाहिए। अब यहाँ भी आप मेल डाल दीजिए जिस भी मेल में आपको बीएल चाहिए। अब यहाँ पे पेमेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि ओरिजिन का जो सरचार्ज है वो कौन पे करेगा, तो यहाँ पे ओरिजिन के हमारे चार्जेस प्रीपेड होंगे। पेमेंट लोकेशन सिंगापुर एंड करेंसी लोकल करेंसी में यूजुअली पे होता है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हम डाल देंगे कि फॉरवर्डर जो है वो यहाँ पे करेगा और एड कर देंगे। उसके अलावा डेस्टिनेशन जो सरचार्ज है वो कौन पे करेगा, तो वो प्रीपेड नहीं होगा, कलेक्ट होगा, तो इस प्रकार से हम एड कर देंगे। और इसके अलावा अगर आपका कोई हैंडलिंग रिक्वेस्ट है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब इधर देखिए बीएल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं नॉन फ्रेटेड, फ्रेटेड, फ्रेटेड ऑल चार्जेज, फ्रेटेड प्रीपेड ओनली। यानी सीवे बिल इशू, दो तरह की सीवे बिल इशू होती है, एक जिसपे आपके फ्रेट की इंफॉर्मेशन दी होगी, उसपे सारे चार्जेज लिखे होंगे, तो अगर आपको उस तरह की बीएल चाहिए तो आप उस पे नंबर आप कॉपी लिख दीजिए, नहीं चाहिए तो आप उसको छोड़ सकते हैं। अभी हमें नॉन फ्रेटेड सीवे कॉपी चाहिए, वन कॉपी हमें रिक्वायर्ड है, वन सीवे बिल एंड वन कॉपी। अब देखिए अगर फ्रेटेड वाले में चाहिए तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कितने कॉपी चाहिए, फ्रेटेड प्रीपेड वाला चाहिए तो वहां भी आप डाल सकते हैं, अभी हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब देखिए अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप सेलेक्ट करके और उसको अपलोड कर सकते हैं अगर जरूरी है, नहीं इसको हम स्किप कर सकते हैं। तो हमारे फर्स्ट पार्ट की डिटेल कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम चलते हैं कंटेनर एंड कार्गो में। यहाँ पे देखिए आपको जो आपके कार्गो का डिस्क्रिप्शन आप बीएल में चाहते हैं वो यहाँ पे आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन फिल कर देंगे कि हमारा 140 जीपी एसटीसी कार्गो है। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन हमको मिला है कार्गो डिटेल की वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो जो हमारा मार्किंग है वो हम इधर राइट साइड में इस प्रकार से फिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो कंटेनर नंबर ऑटोमेटिक फिल है, एक बार इसको आप मिला लेंगे। अब यहाँ पे आप कंटेनर का सील नंबर डाल देंगे इस प्रकार से। उसके बाद क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी आप लोड कर रहे हैं, क्वांटिटी डालने के बाद पैकेज का आप टाइप लिखेंगे, किस प्रकार की आपकी पैकिंग है। उसके बाद ग्रास वेट यहाँ पे देखिए बुकिंग का ऑटोमेटिक आ रहा है। इधर हम कार्गो का वॉल्यूम डाल देंगे, यानी कितने सीबीएम हमारा कार्गो है। अब देखिए अगर आपको बीजीएम वेट पता है तो आप यहाँ से बीजीएम भी साथ में डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो ये बाद में भी फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इस पे नहीं है। अब इसको थोड़ा आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए आगे कार्गो का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एचएस कोड आपको मैंडेटरी है डालना। तो इस प्रकार से आप कंटेनर की सारी डिटेल डाल देंगे। अगर आपके शिपमेंट में एक से ज्यादा कंटेनर है तो आप यहां से ऐड कर सकते हैं। अभी हमारी बुकिंग एक ही कंटेनर की है इसलिए हम यहां पे ऐड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद थर्ड ऑप्शन हमारा है, जब ये सारी डिटेल हम डाल देंगे तो प्रीव्यू का ऑप्शन है। इस प्रकार से हम प्रीव्यू करेंगे तो जो भी हमने डिटेल फिल किया है वो सारा इस प्रकार से दिखाई देगा। एक बार उसको आप प्रॉपर चेक कर लें। अगर आपको अमेंड करना पड़ेगा तो प्रॉब्लम होती है, और आजकल बहुत सारी शिपिंग लाइन अमेंडमेंट का चार्जेज लेने लगी है, तो यहाँ पे एक बार आप वैलिडेट एसआई कर लेंगे। देखिए हमारा जो एसआई है प्रॉपर वैलिडेट हो गया। अगर आपकी एसआई प्रॉपर है, सब कुछ सही है, तो यहाँ पे सबमिट शिपिंग इंस्ट्रक्शन में हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट होगा यहाँ पे देखिए आ जाएगा इंटरनेट एसआई रेफरेंस नंबर वर्जन 1। वर्जन 1 मतलब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं। डेट ऑफ सबमिशन यहाँ पे आ जाएगा कि इतनी तारीख को आप इतने बजे सबमिट किए हैं, आपकी साइज सबमिट हो जाएगी। इसको आप नोट करके रख लेंगे, आपको मेल में भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब देखिए जैसे ही हमारा सबमिट हो जाएगा, लास्ट वाले ऑप्शन में अगर आप सर्च करेंगे डेट से, तो आप देखिए कि यहाँ पे हमारा ये दिखाई देने लगा कि हमारा जो एसआई है ये सबमिटेड हो चुका है, प्रॉपर सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे आप व्यू एसआई कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक बार प्रीव्यू देखना चाहते हैं किस प्रकार आपकी एसआई आएगी, तो आप एसआई प्रीव्यू में क्लिक कर दीजिए।
देखिए हमारा ये प्रॉपर एसआई इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, इसी तरह हमारे उसमें प्रिंट होके आपको दिखाई देगा। होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब आप कास्को में एसआई सबमिट करना सीख गए होंगे। इसके बाद भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे आप कमेंट करिए। फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए इस प्रकार के इन्फॉर्मेशनल वीडियोज के लिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।